नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध लघु कथाकार लता अग्रवाल जी, जो भोपाल से आई हैं। वो हमारे कार्यक्रम के अतिथि भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं। दूसरा, इन दिनों जो लघु कथा को लेकर जो माहौल चल रहा है, जो लेखन चल रहा है, उसको लेकर परिस्थितियाँ हैं हमारी, कि सभी के पास समय का अभाव है और उसके साथ लोग साहित्य में रुचि भी रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से आज लघु कथा को लेकर पूरे देश में सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है कि कम समय में हम काफ़ी कुछ अच्छी बातें उसमें पढ़ और सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो लघु कथा का कार्यक्रम रखा गया है, इस पर जो सेमिनार राष्ट्रभर से महिलाएँ आई हैं और खासकर महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम है, तो ये एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे देश में महिलाएं अपने घर के दायित्व के साथ लेखन में लगी हुई हैं और ये इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में देखने में आ रहा है कि महिलाओं ने लेखन को अपनाया है। तो लघु कथा उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है कि वे कम समय में, क्योंकि महिलाएँ संवेदनशील होती हैं और लघु कथा का सबसे बड़ा बिंदु ये होता है कि उसकी संवेदना, तो महिलाएँ अपने आसपास के वातावरण को, आसपास की घटनाओं को बहुत बेहतर तरीके से, संवेदनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं। तो लघु कथा का ये कार्यक्रम जो महिलाओं से लेकर रखा गया है, ये सारी साथ में आने वाले समय में लघु कथा का क्या स्वरूप रहेगा? आने वाले समय में अभी कुछ कुछ कहीं देखने में आया है, क्योंकि एकदम से काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एक तरह से कहेंगे तो भर्रा सा आया है लघु कथा में, तो इसके लिए एक छटनी की भी आवश्यकता है। तो इस तरह के जो सेमिनार हो गए हैं, उस सेमिनार में हमें लघु कथा का वास्तविक स्वरूप क्या हो, हम उसको जीवित रखें और उसको जीवित रखकर ही आगे बढ़ें, तो ये जानकारी इससे मिलती है। और लघु कथाओं का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्ज्वल है, क्योंकि समय का अभाव तो निश्चित रूप से रहना ही है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि लोग साहित्य से जुड़े हैं और साहित्य हमारी संवेदनाओं को जीवित रखता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य का सृष्टि से रागात्मक संबंध रखता है। तो लघु कथाएँ तो आने वाले समय में और भी परिष्कृत रूप में सामने आएंगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.